करना है, जो बाय वाले स्टूडेंट है, ठीक है, बाय वाले स्टूडेंट है उनके लिए। सबसे पहले तो यहाँ से क्लियर हो जाए, बायो है आपका, तभी आप जो है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाए, अगर नहीं है एलिजिबल आप यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी अगर विदाउट बायो वाले हैं, अगर मैथ्स से कैंडिडेट हैं, ठीक है, और मेडिकल फील्ड में आना है, मेडिकल फील्ड में आना है तो क्या क्या कोर्सेज रहेंगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शन रहेगा, तो वो चीजें के ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग को, सिर्फ और सिर्फ आपका बीएससी नर्सिंग रहेगा, कि बीएससी नर्सिंग का जो है वो क्या रहेगा कैसे। तो एक पहला इसका सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो 12th में बायो होना कंपलसरी है बीएससी नर्सिंग। एक और बड़ा सवाल होता है आपका, सर गर्ल्स के लिए है चूंकि नर्सिंग फील्ड है, बॉयज कर सकता है नहीं कर सकता है, तो आप क्लियर हो जाइए। दूसरा पॉइंट, ये जो है आपका बीएससी नर्सिंग बॉय और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स आप दोनों कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको नहीं करना या आप नहीं कर पाएंगे या फिर आप एलिजिबल नहीं है इस चीज को लेकर, ये क्लियर है। दो पॉइंट आपके क्लियर हो, फर्स्ट आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि 12th में आपका बायो होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड था जेंडर, जेंडर के बात, तो जेंडर में इसको गर्ल्स या बॉयज कोई भी कर सकते, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ा चीज होता है वो ये है आपका कि इसके जो है बीएससी नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग के वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज दोनों तरह के कॉलेज से जुड़े गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं, इसको आपको भरना है। प्राइवेट में आने के लिए भी आपको ये फॉर्म भरना, ठीक है, आपका जो है वो प्राइवेट में भी एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो है वो रूल एंड रेगुलेशन, उसके गाइडलाइंस आ गए हैं कि वही कैंडिडेट जो है एडमिशन बीएससी नर्सिंग में ले सकते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म भरा था। गवर्नमेंट फॉर्म में होता क्या चीज है, अगला चौथा पॉइंट जो है वो आप समझिए, गवर्नमेंट में होता क्या चीज है, इसमें एक सर्टन आपका परसेंटेज फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 180 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, झारखंड कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, इसमें मिनिमम आपको 130 क्रॉस करने पड़ेगा, 180 में 130 क्रॉस करना पड़ेगा तभी आपको गवर्नमेंट मिलेंगे। उसके बाद इसके बीच वाले जो कैंडिडेट हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल 60 से अगर हम उठाते हैं तो 60 to 30 वाले जो कैंडिडेट हैं इनका डिसाइड होता है आपका प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या आपको मिल रहे हैं,